मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ किसानों का, क्योंकि किसानों ने हमें एक्चुअल में आंदोलन करना सिखाया है, हक के लिए लड़ना सिखाया है। 13 महीने दिल्ली की बरुओं पे, बॉर्डर्स पे बैठना और सरकार को घुटने टिकाना, ये हमने इन्हीं से सीखा है। अगर हम नहीं आते वहाँ पे तो शायद हम आंदोलन करना और संघर्ष करना नहीं सीखते। और आज जैसे कि प्राचा साहब ने बताया कि आज मुझे 5 महीने होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आंदोलन लगाए हुए, और आप लोग जो जो भी कवर करने आते हो आपने देखा कि पुलिस का क्या हाल हमने किया है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ बड़ी अच्छे से समझ आ गई कि हम तो वहम में थे, हम लोगों ने तो चीज़ें सीखी नहीं, पढ़ी ही नहीं। हम लोग तो देश के राजा हैं, देश के शासक हम हैं, और वो लोग तो हमारे सेवादार हैं, उन लोगों को तो हमें हमारी सेवा करने के लिए बिठाया हुआ है, और हम लोग उन्हीं से डर रहे हैं। वो खाकी का रोब हमें दिखाते आके, लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि इस देश का कानून जो है वो सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं है, और पुलिस हमारे बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे भी जो पुलिस कर रही है और जो पुलिस ने पहले भी किया, पुलिस खुद एक अपराधी का रोल प्ले कर रही है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और मैं एक यूनिवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेशन कह लो, ये साथी आशुतोष एक स्टूडेंट लीडर है, हम ये बताने के लिए आए हैं कि जब भी रेवोल्यूशन आया वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से आया है। अगर विद्रोह कहीं से शुरू हुआ तो वो जो यूथ है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से, उन्होंने समझा, उन्होंने देखा कि कौन सी विचारधारा हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही काम कर रहा है, कौन हमारे लिए गलत काम कर रहा है, और कौन सरकार है जिसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई, कौन सी सरकार है जिसके कार्यकाल में 2 लाख 2.5 लाख बच्चियाँ इस देश से गायब होगी। हम जैसे यूथ ने समझा कि 15 लाख का दिखावा करते हुए कहाँ है, हम जैसे यूथ ने समझा, बेटियों ने समझा, पहलवान बेटियों को देखते हुए लगा कि जो देश का मान सम्मान शान है वो पहलवान बेटियाँ इंसाफ की गुहार लगा रही, और एक जगह ठहाके बज रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे हो काला धन वापस आएगा, देश की GDP इकोनॉमी सब खड्डे में चलेगी, और अभी तक हम इल्यूजन में है कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी। हमें, मुझे लग रहा है किसानों का संघर्ष देखते हुए, जो पीड़ित लोग हैं उन सबको देखते हुए ये चीज़ लग रही है कि अब हमें ना मांगना नहीं है, वी डोंट हैव टू डिमांड, वी नीड टू क्लेम। और अब हमें क्लेम कैसे करना है, जितने भी, बड़ी अच्छी बात मार्क्स ने समझी थी, मैंने पढ़ी थी, कि जितने भी उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूर हैं ना वो सब एक हो जाओ अगर पूंजीवाद से छुटकारा चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रशिया का मजदूर, ये इंडिया का, ये यहाँ का, नहीं, मजदूर एक जाति है, मजदूर एक कम्युनिटी है, मजदूर को एक होना पड़ेगा। अभी वक्त आ चुका है कि जितने भी प्रताड़ित, शोषित, दबे, कुचले लोग हैं जो हक मांग रहे हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा इस बेईमान सरकार से छुटकारा पाने के लिए और जीतने के लिए। और उसी आस को लेके हम दिल्ली से, मैं हूँ पंजाब से लेकिन दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मैं होल हार्टेडली पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पूरे विश्वविद्यालयों से वेलकम करने आई हूँ किसानों का, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम वो गद्दार होंगे लोग जो वेलकम नहीं कर रहे होंगे किसानों का। वो लोग गद्दार आपको दिख जाएंगे जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, उनकी जो जाति प्रजाति ना वो एक जैसी होगी, वो नस्ल एक जैसी होगी, वो आतंकी जो जातंकी RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और भाजपा वाले, वो आपको अलग ही दिखेंगे, जो जो इनके लिए बुरा बोलेंगे, जो इनको आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि हक मांगने वाला तो कभी नक्सली है भाई, कभी खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी है। हम इनकी स्ट्रैटेजी समझ गए ना ही, तो हमें डिवाइड होना है, क्योंकि अगर हम डिवाइड होंगे वो हमें डाइवर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे। ये अंग्रेजों ने किया था, यही हिटलर ने किया था, इसको हमें हराना है, और हराने का मात्र एक ही विकल्प है अगर हम सब एक हो जाते हैं। और अब वो टाइम आ चुका है कि अगर 2024 में ये रिपीट होते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचने का, हमारे पास कुछ नहीं रहने रहना उसके बाद। तो यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो बेरोजगारी से पीड़ित है, वो लोग जो भुखमरी से पीड़ित है, वो लोग, वो महिलाएं जिनका शोषण हो रहा है, पहलवान बच्चियां जिनका शोषण हुआ, हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उन सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और एक होने का यही है कि जितने छोटे छोटे आंदोलन है, जो पीड़ित है वो एक हो जाओ। इस सरकार को तो ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक लोग, जो आबादी है वो हमारी तरफ है, हम 92.5% होते हैं। जो एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिक प्राचा साहब ने भी आपको बताई कि जिसमें गरीब, पीड़ित, शोषित, SC ST OBC मिनोरिटीज, दबे कुचले तबके, ये 92% प्लस होते हैं मिलके, तो बचे कौन? वो इतने से, इतने परसेंट लोग जो दहशत फैलाते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, जो इंसान को इंसान से ऊपर नीचे मानते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा अब। और मुझे लगता है पंजाब का तो इतिहास ही हमेशा रहा है दूसरों के लिए करना, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए करना, और गुरुओं का भी सिद्धांत यही है कि अपने से पहले दूसरों को रखना, दूसरों की बहन बेटियों की बचाने की रक्षा हमारे गुरुओं पीरों ने की है। तो दिस इज द टाइम, पंजाब ने पहल करी है, पूरे देश को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। और हम किसान आगू जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा यूथ, पूरा युवा, महिलाएं, पीड़ित, शोषित लोग आपकी तरफ देख रहे हैं,
प्लीज लीड करो, क्योंकि आप रेवोल्यूशन ला सकते हो। आपके कंधे बनके हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर आप शुरुआत करोगे हम पीछे नहीं हटेंगे। ना ही तो ये यूथ युवा इनके गोली बारूद से डरता है, ना पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स किसी चीज से नहीं डरती, क्योंकि अब इन निहत्ते गरीब लोगों ने ना इनसे डरना बंद कर दिया। अब हम लोग ना पर्चों से डरते हैं, ना डंडे से, ना गोली से, किस कोई भी चीज हमें डरा नहीं सकती। हम एक हैं और इस एकता का सबूत हमारे लीडर्स हैं, जैसा डिसाइड करेंगे वी आर विद देम, और हम चाहते हैं कि ये सब शोषित वर्ग एक होकर लड़ाई लड़े। शुक्रिया। अगर किसान आदेश करेंगे तो ये बाहर है, हम दिल्ली के अंदर रह के आंदोलन करेंगे उतना ही बड़ा जितना बिल्कुल हम वहाँ ये, लेकिन इनके आदेश ये यहाँ से आएंगे, हम वहाँ से आएंगे, और बीच में क्या रहा, वो चोर गद्दार, वो इतने से लोग मुट्ठी भर भी नहीं, वो हम वहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे। अगर ये आदेश करेंगे यहाँ से, हम वहाँ से, क्योंकि मैं एंड में यही कहूंगी, इस सरकार पर विश्वास नहीं, ये आपको हर बारी जुमला देगी, ये आपको हर बारी कहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेटियों का रेप हो रहा है, सबसे ज्यादा बेटियों का शोषण हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और 3.5 लाख बच्ची इस भारत से गायब हुई उन्हीं के कार्यकाल में। ये सोचने वाली बात है, ये सवाल है, युवा बेरोजगार है सवाल है, भुखमरी में हम छोटे छोटे देशों से हमारा नंबर टॉप में है, ये सवाल है। तो मैं ये चाहती हूँ अगर आगू हमारे आदेश करते हैं, जैसा भी करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज में जा जाके इनकलाब लाया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, हर एक इंसान जो इस थाली में दिया हुआ, अपनी थाली में दिया हुआ किसानों का खाता है, वो गद्दारी करेगा तो देशद्रोह वो होगा, आतंकवादी वो होगा, हम सब साथ हैं। साथी आशुतोष, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिंदू, आपकी जो चलाई गई मुहिम है काफी लंबे समय से वहां पर बैठे हैं, अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, सरकार बैकफुट पे है, यूनिवर्सिटी डरी हुई है। अभी आप देखो कि लास्ट टाइम इतना ज्यादा हम लोगों की संख्या थी, उनसे संभालने नहीं गए, तो उन्होंने हमारे लोगों को मेट्रो से निकलते डिस्पर्स करना शुरू कर दिया। जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में उतरते हैं तो पहला मेट्रो स्टेशन आता है विश्वविद्यालय। इन्होंने जिस दिन मेरा 6 तारीख का 6 फरवरी का बड़ा आंदोलन था, हजारों के हिसाब से दुनिया वहां पे आई, उस दिन इन्होंने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो ही नहीं रुकी, जीटीबी पे रुक रही थी या तो मेट्रो विधानसभा पे रुक रही थी। तो इतना डर है इनको, मैं आपको बता रही हूँ ना, एक महिला जो शोषित वर्ग की मार्जिनलाइज कम्युनिटी की से संभाली नहीं जा रही, सोचो एक, क्योंकि मैं सच की बात कर रही हूँ, मैं हक की बात कर रही हूँ, और मैंने जैसे आपको कहा इनके तमाम गोला बारूद धन दौलत पुलिस फोर्स अब डराने ना रही, अब हमने डरना बंद कर दिया। इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए 26 तारीख को आने वाली 4 दिन के बाद हमने बड़ा कॉल दिया है। मैं किसान आगुओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सच हक की लड़ाई है। एक आरएसएस के प्रिंसिपल ने जातिवाद के चलते हुए, और मेरी जो सक्रियता थी किसानी संघर्ष में और सीएनआरसी के आंदोलन में, जो एक मुखर अपने हक अधिकार के लिए बचाने के लिए, आप सब लोगों ने मुझे किसान आंदोलन पे देखा ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस चीज को एक आरएसएस की प्रिंसिपल से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे निकाला गया फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके। 35 फर्जी बच्चे मेरे खिलाफ लगाए गए, जब प्राचा साहब ने केस किया और वो पता चला कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए थे ही नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर उन बच्चों का डेटा ही नहीं है, तो मुझे बताओ मैं लड़ू ना अपने हक अधिकार के लिए? वो सामने चोरी कर रहा है, आरएसएस बीजेपी सामने चोरी करके आपको गोली मारी, हम बोले ना? तो इसीलिए 26 तारीख को हमने विशाल कॉल दिया है, और मैं उस चीज का इन्वाइट करने अपने किसानों को भी आई हूँ कि आपकी बच्ची वहां पे बैठ के लड़ रही है, पंजाब से हूँ, और आओ साथ दो कि अगर हमने यूनिवर्सिटीज की लड़ाई भी जीत ली तो मैं कहती हूँ कि ये भारत क्या आपके हाथ में है? भारत देश, अब भारत देश का युवा जो प्रताड़ित बेरोजगार है, जो टीचर जिनकी नौकरियां छीनी गई और आरएसएस का कैडर भरा गया, सब आपको देख रहे हैं, सब आपके पीछे हैं। अगर आप आगे आएंगे तो हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं ये भी चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बंदी सिंह है, जिनके लिए हमेशा हमने मुखरता से आवाज उठाई, शुक्रिया अदा करती हूँ इस आंदोलन का, किसानों का, कि इन्होंने उनकी मांग भी रखी, उनकी आवाज भी उठाई। और जो बंदी सिंहों में हमारे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जी, उनके जो मुख्य मेन वकील हैं, वो आज आपके बीच में बैठे हैं, और 2018 की जब मीटिंग हुई थी, जब उनके ऊपर 73 केसेस थे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा पे, जब महमूद प्राचा जी के पास वो केस आया तो आज उनके ऊपर सिर्फ 3 केसेस आए, उनमें से भी दो हैं जो मेन है, एक तो ऐसे ही है, तो 70 केसेस प्राचा साहब ने उनके हटाए। तो ये चीज है, और हम बंदी सिंहों की भी लड़ाई उसी पुरजोर तरीके से आवाज लड़ेंगे हर मजलूम की। और किसानों के आंदोलन की खूबसूरती ये है कि किसान मजदूर का नारा ही नहीं, करके दिखाया मजदूरों को भी, लैंड लॉर्ड्स भी हैं और लैंड लेस भी हैं इस आंदोलन में, दोनों का एक है, क्योंकि वो आपको बांटते हैं, अरे ये तो जाटों का आंदोलन है, अरे ये तो जमींदारों का आंदोलन है, तुम क्या करोगे जाके? नहीं, इस बकावे में मत आना, ये सबकी आवाज है, ये हर उस पीड़ित शोषित की आवाज है, वो उन सबको उनका हक देंगे। यार देश जीत लो ना, सरकार कब्जाओ ना, ईवीएम की सरकार को हटाओ ना, फिर हम बताएंगे ना देश कैसे चलेगा। फिर जो सरकार जनता की चुनी हुई सरकार आएगी तो वो बताएगी कि लोकतंत्र में लोगों का राज होगा, माफी मांगने वालों का भगोड़ों का राज नहीं होगा। मैं
मैम क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये जो लोग बैठे हैं, ये जो ईमानदार सच हक की आवाज है, एक हो जाएगी तो आपको लगता है कोई बचेगा? पूरा देश तो यहाँ बैठा है, किसान यहाँ, जवान इनके साथ, विश्वविद्यालय के छात्र जो प्रताड़ित शोषित है वो इनके साथ है, तो बचा क्या भाई? 92% देश तो साथ आ गया ना आबादी, तो बचा क्या पीछे? तो वो सरकार, एक बात बताओ, चोर को क्यों डर है? क्योंकि चोर की चोरी पकड़ी जाएगी ना अगर ईवीएम हटेगी तो। ईवीएम में वो राजा है, उस राजे की जान जो है उस तोते में है, वो तोता ईवीएम है, उस तोते को मार दो तो राजा मर गया, राजा खत्म। तो ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटाओ, संविधान बचाओ, कानून बचाओ, हम सबके हक बचाओ, हम सबकी थालियों में निवाला आएगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ लेना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने कहा कि इस देश का 90% जो वेल्थ है वो खाली 20 लोगों के पास है। वो कौन? अडानी, अंबानी जैसे, बिरला, टाटा, ये सब। हम लोग तो बस धक्के खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब हमने ठान लिया पीछे नहीं हटेंगे, देखते हैं लोग क्या करते हैं। तो बताया ना प्राचा साहब ने, अगर ऐसी बात है तो अगला ताला उसी के दफ्तर के बाहर लगेगा, अगला मोर्चा भी उसी के दफ्तर के बाहर खुलेगा। आशुतोष को बुलवाओ। हमने बताया था वही वो चुनावी बॉन्ड के उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई। जैसे चुनावी बॉन्ड फर्जी हैं, धोखा है, वैसे ईवीएम भी धोखा है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है और जनता की अदालत ने ईवीएम को रद्द कर दिया। तो ईवीएम का भी कोई महत्व नहीं है, ईवीएम गैर कानूनी है, ईवीएम से चुनाव धांधली होती है, ईवीएम से चुनाव देर से होते हैं, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे, उसमें कोई कानूनी रोक टोक नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। कल किसानों ने दिल्ली पूछ करने की बात कही है, अगर पूछ करते हैं उधर से जवाबी कार्रवाई होती है और किसानों की अगर जाने जाती है, किसी को चोट लगता है, इसके जिम्मेदार कौन? अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी और बाकी सारे खट्टर जी और इनके जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, जो अपने जवानों को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, वो सब जिम्मेदार होंगे और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो रिस्पांस सामने से आना चाहिए और खास तौर पे हरियाणा की पुलिस से, हरियाणा के अंदर थोड़ी जा रहे हैं किसान, तो दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा को क्या लेना देना है? और दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका नुमाइंदा बन के आया हूँ, वो वेलकम कर रहे हैं। तो ये बीच में हरियाणा के लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणा सरकार क्या कर रही है, और किसी को कोई परेशानी है? परेशानी सिर्फ ये बैरिकेड से आम नागरिकों को भी, किसी को आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। किसान आएंगे, पूरी दिल्ली उनकी है, आराम से बैठेंगे, हम लोग उनको सत्कार करेंगे, हम लोग उनको वेलकम करेंगे। मैं साथ ही आशुतोष से बोलूंगा कि वो भी दो शब्द। स्टूडेंट प्रेसिडेंट, एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि जो शेल्स हो रहे हैं, जो भी आंसू गैस के गोले लगे जा रहे हैं, उनसे तो चलो आप बचा लोगे, बट जहां पे साउंड वेव्स की एक रेडिएशन मशीन लगा दी है, वो भी आतंकवाद का अपराध है। यही तो मैं, वो तो समुद्र में यूज होते हैं ना, वो यहां पे बॉर्डर पे लगा दी है, ये तो चाइना के बॉर्डर पे यूज होनी चाहिए ना सब चीजें। ये ड्रोन जो चल रहे हैं, कोई आपको लगता है यहाँ से? वहां पे चाइना को क्या मौका दिया है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलके?